हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी देसी मुर्गियों को फीड आप खुद ही घर पर ही कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाले है और 1 से 15 दिन तक कौन सा फीड देना है। आप इस वीडियो में बताया गया लिंक हमारे चैनल में जाकर आप इसे देख लेना। जी हाँ दोस्तों, और 20 दिन के बाद आज मैं जो चूजों को फीड देने वाले हो वो कितने दिन तक दे सकते हो, साथ ही उसके कैसे बनाना है। जी हाँ दोस्तों, इसकी लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आज जो हम फीड का फार्मूला आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फीड आपको बहुत ही कम कीमत में आपको घर में बन जाएगा। लगभग 1 किलो फीड की कीमत आपको 18 रुपये से 20 रुपये या 22 रुपये के बीच में आपको गिर सकती है, क्योंकि आपके यहाँ पर मार्केट में जो मिलने वाली सामग्री है वो क्या रेट में आपको मिलेंगी और उसकी कीमत पे डिपेंड रहेगा। अगर इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको घर की हो तो यहाँ प्रोडक्शन की कीमत 18 रुपये के अंदर भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मार्केट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या 1 केजी गिरने वाला है फीड। साथ ही दोस्तों, ऐसा फीड तो आप 20 दिन से लेकर जितने चाहो उतने दिन आप खिला सकते हो। अगर आप अपनी मुर्गी सिर्फ मांस के लिए या मीट के लिए पालना चाहते हो तो दोस्तों, अगर आप मीट के लिए पालना रहे हो तो आप इसी मीट को कितने भी दिन खिला सकते हो, लेकिन 5 महीने के बाद आप मुर्गियों से अंडे लेना है तो दोस्तों फिर आपको फीड चेंज करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या मिलाना है, क्या कम करना है तो मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का कोई घटक यानी फीड की सामग्री मिलने वाली नहीं मिलती है तो आप उसकी जगह कोई इसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नहीं हो तो क्या होता है और डालते है तो क्या होता है, यह सभी बातें मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने आपको बोला था कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, फीड बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले लगता है मक्का। लेकिन दोस्तों, फार्मूला बनाने वाला हूँ ये 100 किलो का है। दोस्तों, 100 किलो फीड बनाने के लिए आपका फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसी फार्मूला को आप प्लस कर सकते हो, या आपको कम करना है तो आप माइनस कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, मकई या मक्का लेना पड़ेगा आपको 21 किलो। उसके बाद दोस्तों, आपको बाजरा मिक्स करना पड़ेगा 28 किलो। 14 किलो आपको दोस्तों गेहूँ लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको सोयाबीन DOC आती है दोस्तों, वो लेना है दोस्तों 11 किलो। जी हाँ दोस्तों, 11 किलो आपको सोयाबीन DOC लेना है। उसके बाद मैं आपको सरसों की खली 6 किलो। जी हाँ दोस्तों, सरसों की खली। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है दोस्तों मच्छी पाउडर 3 किलो और राइस पॉलिश, जी आता है दोस्तों, वो आपको 5 किलो कर सकते हो। उसके बाद में इसमें मिलाना पड़ेगा दोस्तों 250 ग्राम नमक और 350 ग्राम सोडा। लाइस्टोन 150 ग्राम आपको मिलाना है दोस्तों और पोल्ट्री ऑयल आपको मिलाना पड़ेगा 1 किलो लीटर। जी हाँ दोस्तों,
सबसे लास्ट में आपको मिलाना पड़ेगा प्रीमिक्स 350 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, 350 ग्राम प्रीमिक्स आपको यहाँ सभी को आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका 1 क्विंटल यानी 100 किलो फीड बन जाएगा। मक्का, गेहूँ, बाजरा इनको आपको अलग अलग पहले तो ग्राइंडर मशीन में पिसाना है। जी हाँ दोस्तों, ग्राइंडर में आपको इतनी मोटाई से पिसाना है कि आपकी मुर्गी उसे इजीली खा सके। ये मुर्गी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है इस पे डिपेंड करता है कि आपको दाना कितना मोटा और कितना बारीक रखना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, आपको मिक्सर में यानी जो मिक्सर होता है फीड मिलाने वाला, उसमें आपको अच्छी तरह से इन सभी को मिक्स करके। जी हाँ दोस्तों, मिक्सर नहीं है तो आप अपने हाथों से भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन उसको आपको बेहतरीन तरीके से मिक्स करना पड़ेगा, तभी सभी चीज़ पूरी फीड में मिक्स होने चाहिए। इतना आपको उसे मिक्सर करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको बता दूं दोस्तों कि आपको पोल्ट्री फीड मात्रा 10 से 12 दिन का ही एक साथ बना सकते हो। ज़्यादा दिन फीड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 दिन या 15 दिन जितना फीड लगता है उतना ही फीड एक बार में बनाना है। ज़्यादा फीड बनाऊंगे तो क्वालिटी डाउन होती है। जितना दिन का आपका पुराना फीड होगा हो जाएगा उतनी उसकी क्वालिटी डाउन यानी कम हो जाएंगी। इसीलिए जी हाँ दोस्तों, 12 से 14 दिन तक का ही फीड बनाइए उससे। और बता दूँ, अगर मान लो फीड बनाते समय आपको आपके शहर में या गांव में आपको सोयाबीन DOC नहीं मिलती है तो सोयाबीन DOC की जगह आप पूरा सोया का भी यूज कर सकते हो। फिर पोल्ट्री ऑयल मिक्स नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ऑयल मिक्स नहीं करना है। फिर आप सोया भी डाल सकते हो। अगर आप मान लो आपके शहर में या गांव में मच्छी पाउडर नहीं मिलता है तो आप आजू बाजू आप कर रहे हैं फिर भी मच्छी पाउडर नहीं मिलता है तो आप मच्छी मार्केट से सूखी जो मच्छी होती है, आप वो कोई भी वैरायटी की मच्छी लाकर, सूखी हुई मच्छी लाकर उसे मिक्सर में पीसकर पाउडर अपने घर में बना सकते हो, वो भी फीड में मिला सकते हो। बता दूँ, सारे लोग को राइस ऑयल भी समझ नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, राइस पॉलिश भी आपके यहाँ पर चावल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो भी आप पोल्ट्री फीड में मिला सकते हो। यह आपको राशन की दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा। इससे रेट में खरीदने में के लिए यह आप जो रेट में खरीदने के लिए आप जो बड़ी जो राशन की दुकान होलसेल वाली दुकान है उसके पास से होलसेल में खरीद सकते हो। बहुत सारे ऐसे गांव या शहर होते हैं वहां पे सरसों का उत्पादन नहीं होता है और सरसों की खली उन्हें नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा कीमत होती है, इसीलिए उससे मिला नहीं सकते। तो आप सरसों की खली की जगह आप दूसरी और कोई भी खली मिला सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि सरसों की खली जो मुर्गियाँ होती है वो पसंद करती है। मुर्गी अगर आप ऐसी कोई खली मिला देना जिससे मुर्गियाँ भी पसंद नहीं करती, थोड़ा प्रोटीन कम ज़्यादा हो सकता है, बट आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आपको लाइस्टोन पाउडर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या है और वो समझ नहीं है तो दोस्तों, मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट, जी हाँ दोस्तों, मुर्गियों के फीड में कैल्शियम कार्बोनेट इजीली इसीलिए मिलाया जाता है कि ताकि मुर्गियों
आपको कैल्शियम की कमी नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आपको लाइस्टोन आपको मार्केट में मिल जाएगा या पोल्ट्री शॉप में वगैरह, इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको लाइस्टोन पाउडर नहीं मिलता है या नहीं मिल रहा है, तो अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो आप इसे मत मिलाओ। हफ्ता में 2 दिन के लिए फिर आपको कैल्शियम की मेडिसिन, अगर लाइस्टोन पाउडर नहीं मिलता है तो आप सप्ताह में 2 दिन आपको कैल्शियम के लिए कोई ना कोई मेडिसिन चलाना है ही होगा। उसके बाद में बचता है, जी हाँ दोस्तों, पोल्ट्री ऑयल। दोस्तों पोल्ट्री ऑयल इतनी आसानी से नहीं मिलता है, फिर भी अगर आप कोशिश करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ये भी ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपको पोल्ट्री ऑयल नहीं मिलता है तो आप राइस ब्रांड कोई भी ऑयल मिला सकते हो, उससे भी आपका कम बन जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, इसके कारण आप 100% आपका घर पर ही फीड बन सकता है। हो, मैं एक बार आपको फीड कैलकुलेशन फिर से बता दूँ। 100 किलो फीड बनाने के लिए आपको मक्का लेना है, 31 किलो बाजरा लेना है, 28 किलो गेहूँ लेना है, 14 किलो सोयाबीन DOC लेना है, फिर या सोया इस्तेमाल कर सकते हो 11 किलो, और सरसों की खली और वो कोई भी खली का इस्तेमाल कर सकते हो 6 किलो करना है, मच्छी का चूरा का इस्तेमाल 3 किलो करना है, राइस या चावल का टुकड़ा 5 किलो करना है, नमक आपको डालना है 250 ग्राम, खाने का सोडा डालना है आपको 350 ग्राम, लाइस्टोन पाउडर डालना है 150 ग्राम, या नहीं भी डाल दा तो भी चलेगा। पोल्ट्री ऑयल आपको डालना है 1 किलो 1 लीटर, और आपको प्रीमिक्स आपको डालना है 300 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, प्रीमिक्स आपको नज़दीकी पोल्ट्री शॉप में इजीली मिल जाएगा। ये आप अच्छी क्वालिटी का यूज करना, ताकि आपका जो फीड है उसकी गुणवत्ता बढ़ सके। आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने घर पर ही फीड बना सकते हो। अगर आप अपने घर पर फीड बनाते हो तो सबसे बड़ा फायदा होता है दोस्तों, आपका नफा बढ़ेगा, क्योंकि पोल्ट्री बिजनेस मैंने बहुत सारे नए फार्मर आते हैं, और मुनाफा कम होने के कारण, लॉस होने के कारण दोस्तों पोल्ट्री बिजनेस को बदनाम करते हैं और बिजनेस बंद करते हैं। लेकिन आप घर पर ही फीड बनाओगे तो दोस्तों आपका मुनाफा बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी कंटिन्यू चलता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जहाँ तक हो सके घर का ही फीड आपको देसी को चलाइए। ये फीड आप अगर मीट के लिए मुर्गी को पाल रहे हो तो दोस्तों आप इस फीड को आप कितने भी दिन तक चला सकते हो, लेकिन अंडों के लिए हम ये फीड नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, 4.5 महीने या 5 महीने बाद, यानी लगभग 120 या 130 दिन के बाद दोस्तों आप अपनी मुर्गी अंडा देना शुरू कर देती है, तो दोस्तों आप उस समय हम ये वाला फीड मुर्गी को नहीं दे सकते। तो मुर्गियों को अंडे के लिए कौन सा फीड देना है, तो दोस्तों आप अपनी मुर्गियों को आप अंडों के लिए लेयर मैश फीड दे सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अंडे ले सकते हो। अगर से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो है दोस्तों आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।